एप्पल अपने नए स्मार्टफोन्स को नए तरीके के साथ, नए फीचर्स के साथ, नए क्वालिटी के साथ लॉन्च करता है। हालांकि यही बातें मुझे एप्पल की काफ़ी पसंद आती हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ आईफोन एसी, नो 2K16 वाले आईफोन एसी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2020 आईफोन एसी सेकेंड जनरेशन की बात कर रहा हूँ। यस, मैं इस वीडियो में बात करूँगा आईफोन एसी सेकेंड जनरेशन के फीचर्स, प्राइस एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। 2020 में आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हाल फिलहाल में अभी आईफोन एसी सेकेंड जनरेशन को लॉन्च किया है एप्पल ने, तो इस वीडियो में बने रहिए। एप्पल ने अपने इस नए आईफोन एसी सेकेंड जनरेशन में 4.7 इंच की रेटिना HD डिस्प्ले दी है, जिसके साथ आपको HDR10 प्लेबैक एंड डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें टच आईडी दी गई है, फेस आईडी नहीं दी गई है। आपको इस स्मार्टफोन में आईफोन एसी सेकेंड जनरेशन में आपको A13 बायोनिक प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसमें आपको रियर में सिंगल कैमरा सेटअप दिया गया है जो कि 12 मेगापिक्सल का है, एंड इसका अपर्चर जो है F1.8 है। कैमरे से आप 4K वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। सेल्फी के लिए इसमें 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। कैमरे के साथ आपको HDR एंड पोर्ट्रेट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। ये फ़ोन आपको वाटर एंड डस्ट प्रूफ है। इसके लिए नए आईफोन को IP67 की रेटिंग मिली है, जो कि बहुत बेहतरीन चीज़ है। आईफोन SE सेकेंड जनरेशन आपको ब्लैक, वाइट एंड रेड कलर वेरिएंट में, 3 कलर वेरिएंट में मिलेगा। कंपनी ने कहा है कि आईफोन SE सेकेंड जनरेशन में बहुत ही बेहतरीन बैटरी दी गई है। फ़ोन की बॉडी ग्लास एंड एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम की बनी है। फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। इस स्मार्टफोन में आपको डुअल सिम का सपोर्ट दिया गया है, जिसमें से आपको ई सिम लगाना होगा एंड आप एक नॉर्मल सिम का यूज कर सकते हैं। इस फोन में आपको 64GB, 128GB एंड 256GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। फोन की स्टार्टिंग प्राइस की हम बात कर लेते हैं, आपको 42,500 से लेके 49,500 रुपीज तक आपको आईफोन एसी सेकेंड जनरेशन मिल जाएगा। हालांकि आप अगर दूर से देखते हैं तो ये आपको आईफोन 8 की याद दिलाता है, यानी कि आईफोन 8 जैसे बैक से लगता है। हालांकि लोगों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, एप्पल लोगों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, यानी कि आपको 2020 में आईफोन एसी परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यस, बिल्कुल आपको परचेज़ करना चाहिए। इतनी डिस्प्ले के साथ इस आईफोन एसी सेकेंड जनरेशन को बेहतरीन प्रोसेसर के साथ, बेहतरीन कैमरा क्वालिटी के साथ पेश किया गया है 2020 में। कुछ आपको नया ट्राई करना है तो बिल्कुल आप आईफोन एसी सेकेंड जनरेशन की तरफ जा सकते हैं। हालांकि हाँ, मैं कहूँगा कि इसके डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन लगता है, यानी कि पुराने आईफोन से सिमिलर है, तो थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है। बट प्रोसेसर के मामले में, कैमरा क्वालिटी के मामले में, डिस्प्ले के मामले में आपको कहीं निराशा नहीं होगी यूज़ करने पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। गाइज, नया नया चैनल है, नई नई वीडियोस बन रही हैं, तो थोड़ी सी गलतियाँ भी होंगी, उसको आप इग्नोर करें एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक लीजिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।